दुनिया भर को परेशान करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। यहां बीते दिनों कोरोना संक्रमण में तेजी दिख रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 517 मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.21% हो गया है। वहीं इस दौरान 261 केस रिकवर हुए हैं। 24 घंटे के भीतर एक भी मरीज की कोरोना के चलते जान नहीं गई है। दिल्ली में 20 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले देखने को आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 20 फरवरी को दिल्ली में 570 केस सामने आए थे। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1779 हो गई है। दिल्ली में इस वक्त 1518 एक्टिव केस है, जो 3 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,68,550। पॉजिटिविटी रेट बीते दिन 5.33% से घटकर आज 4.21% हो गई है। दिल्ली में 964 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर 6,446 लोगों की कोरोना की जांच की गई है। इसके साथ ही 37,244 लोगों को कोरोना की डोज पिछले 24 घंटे में लगाई गई है। इसमें से 8,331 लोगों को पहली डोज जबकि 17,550 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।